नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज, देवभूमि उत्तराखंड की आवाज नैनीताल। और आप हम सभी जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया कोरोना जैसी बीमारी से परेशान है, और इस बीमारी से कैसे निपटा जाए ये भी अपना देश कोशिश में लगा हुआ है। लॉकडाउन का आज आठवां दिन, और इसमें क्या घटित हो रहा है क्षेत्र में, क्या चीज चल रहा है, इसको लेके आज हम नैनीताल पहुंचे हैं। इससे पहले धुमाकोट अदाली खाल में हम मौजूद थे, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले परचून की दुकान पे चलते हैं। आइए सर। नमस्कार सर, वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। यहाँ पे जो सामान आ रहा है बाहर से, ये किस प्रकार का सामान आपको मिलता है यहाँ पे, रेट पे मिलता है या उससे ऊपर? ये तो रेट आता है वहाँ से ना, और ये राशन और ये सब्जी आ रही है, इसकी पूर्ति हो रही है, और जो रेट वहाँ से थोका आता है यहाँ फुटकर में बिकता है, जो वापस लेता है वो अब भी है। ऐसी कोई बढ़ोतरी कहीं नहीं है नैनीताल में, और इस पे लोग जो दाएं बाएं बोलते हैं ये अफवाह फैलाते हैं, ये गलत है। अच्छा, बाकी सब ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन का बड़ा जो है यहाँ वो हो रहा है, इसका जो पालन हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा। 1 बजे के बाद दुकानें बंद हो जा रही, तो सन्नाटा छा जा रहा है। सन्नाटा छा, 7 बजे से सुबह 1 बजे तक दुकानें खुल रही है, उसके बाद जो है बाजार बंद हो जा रहे हैं, लोग अपने अपने घरों को चले जा रहे हैं, बाजार बंद हो जा रहे हैं। तो सामान ठीक ठाक है? सामान ठीक है, बढ़िया है। सिर्फ थोड़ा एक परेशानी ये हो रखी है कि थोड़ा रास्ते में पुलिस वाले जो है थोड़ा परेशान कर रहे हैं ट्रक वालों को। अच्छा। वो परेशान न करें, उनको आने दें, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है, सब कुछ है, लिखा है, माल पर्चे का है, नंबर 2 पर, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक परेशानी इनकी और आम लोगों की है ये, और चलो इसको देखते हैं हम आगे। इसको अपने आप से सुलझा लें ना, वो इसके उसको अपने आप से सुलझा लें, इनको रोका टाकी न करा जाए, क्योंकि ये राशन के ट्रक हैं, राशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तो लोग प्लान कर रहे, खेती तो है नहीं, है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो है इसको राशन को आने दिया जाए, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं रामनगर 100 किलोमीटर से, 100 किलोमीटर वहाँ से राशन आता नहीं आएगा तो लोग भूख से मर जाएंगे, इसलिए व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जो इनको जो है निर्देशित किया जाए कि रोका ना जाए ट्रकों को जो आते हैं। धन्यवाद साहब आपका। आगे हम आप देख सकते हैं नैनीताल मार्केट का ये पूरा नजारा है, लॉकडाउन चला हुआ है आज तक, और यहाँ पे आगे निकलते हैं, यहाँ पे सब्जी दिखाने की कोशिश कीजिए आप, जो रोजमर्रा की चीजें हमारी यहाँ पे पर्याप्त सब्जी है, आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। और राव जी नमस्कार। नमस्कार, वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है। सर यहाँ पे सामान कैसे है, सप्लाई हो रही? छोटी छोटी दुकानें सब्जी और राशन की खुली हैं, वो निरंतर चल रहा है, थोड़ा थोड़ा रेड रूट भी सही लग रहा है, बाजार से भी पहले दिक्कत हो रही थी, शासन से इन लोगों को नियंत्रण में लिया गया, उसके बाद रेट जो है ठीक चल रहे हैं, जैसे कि आलू, अंडे, प्याज, टमाटर, लौकी वगैरह ये सब नित्य चल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो हम लोग भी इस समय रेट्स कैसे हैं सर? रामनगर काशीपुर से जो थोक विक्रेता आते हैं उन्होंने जो सरकारी रेट हमें दिखाए लगभग उसी रेट से भी कुछ कुछ चीजें तो कम है, जैसे उन्होंने भिंडी 80 रुपए तक बताया है, यहाँ भिंडी 60 रुपए तक बेच रहे हैं। अच्छा, 60 रुपए किलो, 60 रुपए फुटकर में बेच रहे हैं फुटकर, और लौकी 25-30 रुपए किलो है, आलू भी वही 30 रुपए से ऊपर नहीं है, और ये तुम्हारे मटर है, मटर जो है 75-80 रुपए किलो तक, रेट कोई ज्यादा नहीं पड़ा है ये इनका कहना है, और थोड़ा उच्च ऊपर नीचे हुआ है, इतना ज्यादा भी नहीं। चलो आगे अगली दुकान का रुख करते हैं हम यहाँ पे। वॉइस ऑफ माउंटेन पे सबसे पहले आपका स्वागत है हमारा न्यूज चैनल पे। सर यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है माल, वो किस प्रकार का हो रहा है समय? जैसे मतलब सप्लाई हो रही है न्यूज काशीपुर से, मतलब रामनगर से आते पूरा सामान, पूरा सामान आटा चावल दाल के रेट्स सही है सर? लगभग सिर्फ आटा है, आटा तेज है। जो रोजमर्रा के ग्राहक होंगे उनको परेशानी तो होगी आटे से? नहीं, आटा मिल जाएगा सबको, दे रहे मतलब अवेलेबल है, अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे रावत जनरल स्टोर पे, किराने की दुकान पे हम, और आगे थोड़ा आगे निकलते हैं हम यहाँ पे नैनीताल मार्केट के अंदर, इस समय हम मौजूद हैं। आप यहाँ पे सब्जी देख सकते हैं, ये पूरी सब्जी है, फल से यहाँ पे अंडे भी रखे हुए हैं, जो रोजमर्रा जीवन की सामग्री है, सामान है। सर नमस्कार,
वाइजो माउंटेन पे आपका स्वागत है जी सर। सामान है आपके पास? सब्जी वगैरह, सब्जी वगैरह, सब्जी का काम करते हैं जी। तो सब्जी लगातार रामनगर से मिलते हैं? हाँ जी, रामनगर से जी सर। रेट्स ठीक है, पहले से ठीक आ रहा पहले से? हाँ। पहले तेज था? हाँ तेज था सर, पहले इनका कहना था पहले तेज था, अब थोड़ा हाँ, हल्का है। हाँ जी। चलो थैंक यू, धन्यवाद। इसको कर चलो। दुकानें आजकल लॉकडाउन के चलते ये बंद है और रोजमर्रा की दुकानें यहाँ पे खुली हुई है। और यहाँ पे एक मोबाइल शॉप है, यहाँ पे खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिचार्ज वगैरह भी मैं क्या से आप यहाँ पे मिल गए हमें। राव जी, आप जी राव जी, यहाँ पे सामान ठीक ठाक मिल रहा मोबाइल का? मोबाइल का सामान तो इस समय लॉकडाउन नहीं आ पा रहा है। हाँ। पूरा नहीं हो पा रहा सामान जो है। सामान पूरा नहीं हो पा रहा सर। यहाँ पे रिचार्ज कूपन जो आवश्यक चाहिए जी, तो आप बेचते हैं वहाँ पे? हाँ जी, रिचार्ज कूपन वगैरह सब बेच रहे हैं। तो कौन कौन से रिचार्ज कूपन आप यहाँ पे बेचते हैं? आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, जियो, और जियो भी बहुत कम है अभी यहाँ पे। इसकी फ्लेक्सी मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है। चलो ये थे मोबाइल शॉप पे, और इनका कहना है कि सामान तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ चीजें जो आवश्यक है वो है हमारे पास, फ्लेक्सी वगैरह। धन्यवाद राव जी। तो आगे हम अगली दुकान तक पढ़ते हैं यहाँ पे, और ये दुकान पहुंचे हैं यहाँ पे। सब्जी यहाँ पे ठीक ठाक है मैं देख रहा हूँ, और सब्जी पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को मिल सकता है। कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा सब्जी दिखाने की कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पे। और ये फलसी भी है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे पूर्ण सामान से लेस ये दुकान मुझे पहली बार यहाँ पे मिला है। सर नमस्कार, बॉयज ऑफ माउंटेन पे पहले बार आपका स्वागत। आप कहाँ से? हम उटिंडा गांव डेंडाना से, बाजार से। तो सर यहाँ पे सामान मिल रहा है आपको? हाँ सब सामान सब दिख तो रहा है कि मिल तो रहा है। परचून की दुकान भी है आपकी? न सर, परचून की नहीं, सिर्फ सब्जी करते हैं। सिर्फ सब्जी करते हैं। तो सब्जी में रेट्स? रेट सब नॉर्मल है सर। नॉर्मल है, नॉर्मल रेट है पूरा। मैं पूछ सकता हूँ जैसे ये संतरा क्या दे रहे हैं आप? सर 50 रुपए किलो है। और सेब? सेब 100 रुपए। 100 रुपए जो आम रेट है? जो आम रेट है। प्याज? प्याज 40 रुपए किलो। 40 जो आम रेट था। और अनार भी रखा? अनार भी सर। हाँ अनार भी दिखाने की कोशिश की। ये गोभी? गोभी 30 रुपए किलो। 30 रुपए। ये क्या है? ये गेहूं 40। 40। और पत्ता? पत्ता गोभी। टमाटर यहाँ पे? टमाटर सही है। टमाटर जो रोजमर्रा की चीज है ये भी 40 का दिखाया इन्होंने। आलू क्या दे रहे हैं? आलू एक नया एक पुराना है। अच्छा ये नया क्या रेट है? नया 35 रुपए किलो। 35। और पुराना वाला? ये पुराना वाला 30 रुपए। 30 रुपए। 5 रुपए सिर्फ नए वाले आलू में बढ़ रखा है। और यहाँ पे ये क्या है? मटर? मटर मटर क्या भाव है इस समय? मटर 70 रुपए। 70 रुपए के दे। और बैंगन? बैंगन 40 रुपए। और एक खीरे वगैरह? खीरा 40 रुपए। भिंडी? भिंडी 60 रुपए। और बीन्स? बीन्स 60 रुपए। देखिए रेट ठीक ठाक है यहाँ पे। और ये पहली बार ऐसी दुकान मिली जहाँ पे जो पुराने रेट थे लॉकडाउन से पहले, जब यहाँ पे लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई थी उसके पहले के रेट्स हैं। तो धन्यवाद ग्राहकों के लिए, आपने बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे बना रखी है, इसके लिए आपका बॉयज ऑफ माउंटेन बहुत बहुत स्वागत करता और धन्यवाद देता है। धन्यवाद सर। ठीक है, अभी जैसे बॉयज ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़, और पहाड़ों की आवाज़ लेके मैं नैनी डांडा चौराहे पे खड़ा हूँ, और हमारे पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख देवेंद्र भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बॉयज ऑफ माउंटेन पे स्वागत है। धन्यवाद सर। यहाँ पे अब तक लॉकडाउन का सिस्टम जो चला है इसमें क्या क्या असुविधा और सुविधा व्यवस्थाएं चल रही? व्यवस्थाएं तो सब ठीक ही है, केवल थोड़ा जो प्रशासनिक अमला है इनकी संख्या जरा कम है। कम है। और जो लोग अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते उनकी वजह से दिक्कत आ सकती है। उनकी वजह से ज्यादा दिक्कत, क्योंकि लोग पैदल आ रहे हैं, दूसरे गांव माइग्रेशन कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं और दूसरे घर में जाके बैठ जा रहे हैं। सर जैसे यहाँ पे प्रवासियों का आना सिलसिला शुरू हो गया, कोई पैदल आ रहा है, कोई कहीं भी थोड़ा अपना देख रहा है इधर उधर गाड़ी हल्का फुल्का तो उसे आ जा रहा है इधर, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो ये इनका आना कैसा रहा? जो आ रहे हैं पहले तो उनको रुकना चाहिए जो जहाँ पर है। पूरे देश में आज एक अनुशासन का वातावरण होना चाहिए, क्योंकि ये अनुभव में आया है कि जिन लोगों ने, जिन देशवासियों ने और जिन देश के लोगों ने अपने देश के अनुशासन का पालन किया है वो इस कोरोना से आराम से
लड़ने में सक्षम हो गए, जीत भी गए, जीत भी किया। हमारे देश में क्या है अभी कि लोग अनुशासित नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री इतनी गंभीरता पूर्वक कोई बात कह रहे हैं तो उसको मानना चाहिए, उसको मानना चाहिए। सही प्रशासन कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। थोड़ा हमको अनुशासन में रहना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, थोड़ा बहुत कष्ट भी सहना चाहिए। परंतु जो लोग फिर भी आ रहे हैं बाहर से किसी भी कारण से, तो उनको चाहिए कि वो आने के बाद पहले अपना चेकअप कराएं और कम से कम 14 दिन तक जो है वो परिवार वालों से भी ना मिलें, अलग रहें, अलग रहें, अलग भोजन करें, अलग नहाएं धोएं, 14-15 दिन के बाद ही जो है वो शामिल हों गांव के अंदर, अपने परिवार के अंदर। ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा होने के लिए मुझे लगता है कुछ सख्ती बरतने की आवश्यकता है, प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख भारती जी, और इन्होंने बहुत कुछ कम शब्दों में बता दिया कि लॉकडाउन का कुछ लोग उल्लंघन भी कर रहे हैं और शासन प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे। धन्यवाद सर जी, आप धन्यवाद। तो रावत मेडिकल स्टोर में हम पहुंचे हैं बॉयजो माउंटेन, और यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार दवाई सप्लाई हो भी रही है नहीं, ये पूछने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सर नमस्कार, बॉयजो माउंटेन पे। नमस्कार सर, दवाई सप्लाई हो रही है? हाँ दवाई सप्लाई है सर, ट्रक आ रहे हैं। रेट्स सही है? सही है, हाँ हाँ सब कुछ नहीं पक्के। ग्राहक सेटिस्फाइज? हाँ सब सेटिस्फाई है। ठीक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। हाँ बढ़िया, माल को कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रक आ जाते हैं। ट्रक आ जाते हैं जो सब्जी उब्जी ला रहे ना उन्हीं में आ जाता है सारा माल। अच्छा, जो डिमांड पे है वो आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दवाई अभी तक ठीक चल? हाँ बढ़िया है। तो इनका कहना है कि सबसे पुरानी दुकान है इनकी यहाँ पे मेडिकल स्टोर की, और ये दुकान चलाते हैं यहाँ पे, तो इनके यहाँ सामान भी ठीक ठाक आ रहा है और ग्राहकों को संतुष्टि है। चलो धन्यवाद राव जी। ओके सर। यात्रा है पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।